नमस्कार दोस्तों, ये मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ अभी, ये आपके लिए मंडे तक के लिए वैलिड रहेगा। मैं आज लेट हो जाऊंगा दोस्तों, बाकी जो मंडे के लिए कैरी क्या करना है, अगर कुछ बनता है तो वो क्या रहेगा। एंड मैं जा रहा हूँ बाहर, रात को 10-11 बज जाएगा, ठीक है। और फिर मंडे को जो ट्रेड लेने में वो वीडियो भी लेट हो जाएगी, तो मैं अभी अपडेट कर दे रहा हूँ आपको। और आपको कुछ अगर लेके जाना है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से ही। निफ्टी 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 अभी जो चल रहा है, ठीक है, आज है फ्राइडे, बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत से, ये है कल की क्लोजिंग क्या है, 18,484। ये जो क्लोजिंग है ये है 18,484। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, अगर इस लेवल के ऊपर 18,484 के ऊपर क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग आती है तो आप कैरी कर सकते हैं निफ्टी का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। 18,600 की सी ले लीजिएगा या 18,700 की सी ले लीजिएगा अगर इस लेवल के ऊपर को क्लोजिंग आती है। बाकी कोई और व्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा, तेजी के लिए मैं फिर बता रहा हूं, कल की जो क्लोजिंग थी 18,484, इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर जो निफ्टी की सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है 18,440, तो फिर पुट लेके जाइएगा, ठीक है, पुट लेके जाइएगा 18,300 का, ठीक है। फिर आपको पुट लेना है, नीचे के टारगेट आपको फिर ये यहां तक कम से कम मिलना चाहिए, 18,340 तक आपको नेक्स्ट वीक में मिलना चाहिए, फिर मंडे ऑब्लिक ट्यूजडे। तो ये दो ट्रेड आप निफ्टी में ले सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, मैं क्लोजिंग बेसिस बता रहा हूं, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस बता रहा हूं। और लास्ट के 15 मिनट में ऊपर नीचे अगर मार्केट होता है तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। और जो आजकल मार्केट में खेला चल रहा है वो 3 बजे के बाद ही चल रहा है, ठीक है। फिर अगर ये यहाँ पे नीचे आ गया तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा, ये हो गया। और बैंक निफ्टी ज्यादा ठुकेगा, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की जो कैंडल बन रही है, अगर आप ज्यादा श्योर नहीं होते तो बैंक निफ्टी में जरूर सेल मार दी। देखिए 42,900 टूट रहा है तो सेल करना है, इसका मतलब आपका टारगेट 40, ये लाइन है आपका टारगेट 42,900 के बिलो, ठीक है। और ये क्या है, क्या लेवल है ये, एक बार इसको देख लेते हैं, 42,640, ठीक है, 42,640। और इसके नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली 42,300 के आसपास, ये जोन। बाय नहीं करना है बैंक निफ्टी को सेल ही करना है, सिंपल बता दिया मैंने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ठोकिए अगर वो 42,900 के नीचे रहता है, इसके ऊपर चले जाता है तो अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और मंडे के लिए कैरी भी कर सकते हैं आप, पर ध्यान दीजिएगा सेम वीकली सीपी का मैं गारंटी कुछ नहीं बोलता भाई, उनको नुकसान ही होता है, रिस्क होता है, आपको पैसा ज्यादा जरूर बनेगा बट इट इज ऑलवेज ए रिस्की ट्रेड। अगर आप सेम वीक एक्सपायरी 1 दिसंबर कौन सी वाली, कम से कम 8 दिसंबर का लीजिए या फिर 15 दिसंबर का ले तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है अगर आज 42,900 के नीचे क्लोज करता है। मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा ना टेलीग्राम पे ना कहीं पे, प्लीज अपने हिसाब से ट्रेड करिए, मैंने यहाँ पे एनएफ आपको इंडिकेशन दे दी, ठीक है। वीकली हाई जरूर बना है बट सेल की पोजीशन तभी लेके जाइएगा जब 42,900 इस लेवल के नीचे रहता है। उसका कारण मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, जो पीछे भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, ये देख सकते हैं। और ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकडाउन भी आएगा मार्केट में बिलो 42,900, तो टारगेट कितना बनता है, ये 400 पॉइंट, नीचे से 400 पॉइंट जाएगा तो मिनिमम आपको, मैं तो कह रहा हूं 42,300 तक आएगा भाई, मेरी स्टडी तो ये बोलती है, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे 42,640 पे। हालांकि ये सपोर्ट जरूर है, ये देख सकते हैं, ठीक है, 42,640। तो ये है आज का एनालिसिस, यही ट्रेड आपको मंडे के लिए लेके जाने हैं। बाकी डिटेल वीडियो
कल आ जाएगी जो मैं वीकली एनालाइज करता हूँ मार्केट का पोजिशनल ट्रेड। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 43,500 आपको देखने को मिला, और निफ्टी में भी आपको 18,500 तक देखने को मिल गया, जबकि मेरा टारगेट इसमें तो 43,300 200 पॉइंट से रह गया, यहाँ पे आपको 18,500 के प्लस आपको दिख गया, जबकि टारगेट 18,600 था। ठीक है, तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडेड जो हम वीकली कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया जा रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसके नीचे जाए मौका नहीं छोड़ना है, ठीक है, इस लेवल के नीचे, इसके ऊपर आ जाता है देन डोंट शॉर्ट, देन डोंट सेल, सेल एक ही कंडीशन में है 42,900, ये लेवल आपको जरूर देखने को मिलना चाहिए 42,650 42,300 के आसपास। ठीक है, तो ये है आपका बैंक निफ्टी मेरी तरफ से, अच्छे से कल मैंने एनालाइज आप करके दिया था, सेम चीजें हैं बट ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको वो यहाँ पे समझा रहा था। और निफ्टी हालांकि मोमेंटम स्ट्रांग है बट एक ही कंडीशन में बाय साइड में जाइएगा, जब क्लोजिंग निफ्टी की 18,484 के ऊपर आती है, बस सिंपल, तो फिर ये जाएगा 18,600 मंडे को दिखा देगा 80-90% चांसेस अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज आता है। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे लिए मंडे के लिए, आज मैं नहीं मार्केट में, और ये वीडियो आपको काफी हेल्प भी कर देगी आपको ट्रेड कैरी करना है कि नहीं करना और कैरी करना है तो कौन सा करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस जो हाई था 18,441 सिंपल, अगर ये बक्से के अंदर घुस गया तो बक्से के लोअर बैंड को टच करने आएगा जो कि है 18,200 के आसपास, 240-250 के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट विल बी पोस्टेड। आज क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, नोटिफिकेशन आता है टिल 3 वीडियोस तक आई थिंक जो पॉलिसी है इनकी, तो मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है ये। और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव मार्केट में गट्स हैं तो बोलो। थैंक यू वेरी मच।